श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मृत्यु से बचने के उपाय खुद यमराज ने बताए हैं। मृत्यु देखिए, मृत्यु तो शाश्वत है, मृत्यु तो होना ही है, आज कल कभी भी। जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे पेड़ पौधा हो, जानवर हो, हम हो या कोई भी हो। इवन भगवान जब अवतार लेते हैं तो उन्हें भी मृत्यु को आलिंगन करना ही पड़ता है। पर यमराज ने स्वयं ये बताया है कि अकाल मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। बात प्राचीन काल की है। पहले मैं छोटा सा एक 5-10 लाइन की बात बता देता हूं कहानी कि यमराज ने बात क्यों बताई। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या प्राणियों के प्राण लेते हैं तो मैं दुख नहीं होता है? तुम्हारे मन में दया भाव उत्पन्न हुआ, यह विचार आया कि हमें ये प्राण नहीं लेने चाहिए? कभी ऐसा मन में नहीं आया कि प्राण हमें नहीं लेने चाहिए? प्रश्न गंभीर था। एक दूत खड़ा हुआ और बोला, स्वामी एक बार ऐसा हुआ था कि हमें एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही लेने पड़े और हम बहुत दुखी हो गए और बहुत विचलित हुए। यमराज ने कहा, भाई विस्तार से बताओ। तो दूत ने पूरी घटना बताई। घटना यह था कि एक राजा का पुत्र था, उसने शादी की और शादी के बाद 4 दिन बाद वो मर गया। तो उसके जो रुदन थे, उनके उसकी बीवी के जो रुदन थे, उसको देखकर दूत लोग भी मतलब काफी हो गए, यार हम लोग क्या करें, कैसा काम है ये, काम तो यार बड़ा बेकार है। तो यमराज बोले कि देखो, यह कार्य विधि का विधान है और उसके मान को हमें करना ही पड़ता है, किंतु हमारा मन भी विचलित हो जाता है। तब दूत ने कहा, स्वामी क्या कोई ऐसा उपाय है कि मानव की कम से कम अकाल मृत्यु ना हो? मृत्यु तो चलो निश्चित है, क्योंकि अकाल मृत्यु में कोई जवान मर जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो इस पर यमराज कहते हैं कि धनतेरस के दिन यमुना में स्नान करके यमराज और धन्वंतरी का पूजन दर्शन विधि अनुसार करना चाहिए। यमराज के निमित्त संध्या समय दीप दान करना चाहिए। यथाशक्ति संभव हो तो व्रत भी कर लीजिए। जिस घर में यह पूजन होगा उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।